नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो हम DAP और SSP के ऊपर लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, फसलों की बुआई का समय चल रहा है। इस समय पर किसान साथियों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो DAP या SSP में किसका प्रयोग करें ताकि किसान साथियों को एक अच्छा उत्पादन मिल सके। वैसे देखा जाए तो किसान साथियों, DAP और SSP के कंपेरिजन में DAP बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि हमें DAP के अंदर 46% तक फॉस्फेट मिल जाता है, वहीं 18% तक हमें नाइट्रोजन की पूर्ति उसके अंदर से हो जाती है। वहीं अगर हम SSP की बात करें तो SSP के अंदर मात्र हमें 16% तक फॉस्फेट मिलता है, वहीं 11% तक सल्फर मिलता है और नाइट्रोजन तो है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर 21% तक किसान साथियों को कैल्शियम मिल जाता है, 0.5% तक किसान साथियों को मैग्नीशियम मिल जाता है। नहीं तो किसान साथियों को 0.5% से लेकर 1% तक उसके अंदर जिंक आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही उर्वरक का प्रयोग किसान साथी बुआई, निराई गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाते समय अपनी फसलों के अंदर करते हैं। अगर बात करें किसान साथियों कि बुआई के समय पर कौन सी अच्छी रहेगी, किसान साथियों बुआई के समय पर DAP के मुकाबले SSP बेहतरीन रहेगी, खास तौर पर गर्मियों के सीजन के अंदर, क्योंकि जो हमारी SSP है वो SSP 15 से 20 दिन ले लेती है अपना पूरा कार्य करने के लिए। वहीं अगर DAP की बात करें तो DAP 5 से 7 दिन के अंदर अपना कार्य कर देती है। बुआई के दौरान पौधे छोटे होते हैं तो आसानी से धीरे धीरे SSP का रिजल्ट आपको दिखेगा, खास तौर से गर्मी की फसलों में तो इसका रिजल्ट आपको और भी बेहतर मिलेगा, क्योंकि गर्मी में यूरिया डालने से पौधे जलने की आशंका बढ़ जाती है और ये बात सभी किसान साथी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए कोई भी किसान साथी गर्मियों के दौरान अपने खेतों के अंदर यूरिया कम से कम डालता है, क्योंकि यूरिया डालने के बाद पौधे की जलने की आशंका बढ़ जाती है और सूखी ज़मीन के अंदर कभी भी यूरिया नहीं डलता है। जहाँ पर अच्छी बारिश होती हो, अच्छा तापमान हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट किसान साथियों के लिए हो, वहाँ पर किसान साथी DAP का प्रयोग कर सकते हैं, वरना किसान साथी हो सके तो SSP का ही प्रयोग करें। अब किसान साथियों के मन में प्रश्न आता है कि जब हमें SSP डालेंगे तो उसके अनुसार तो हमारे खेत के अंदर जो उर्वरक हम डाल रहे हैं उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसकी पूर्ति आप किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि बात करते हैं डोज की। किसान साथियों, DAP के मुकाबले 1/3 होती है SSP, वहीं अगर हम 3 गुना SSP की डोज डालें तो वो इक्वल हो जाती है DAP की डोज के बराबर। लेकिन आपको यहाँ पर 3 गुना नहीं डालनी है। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 बैग आप SSP के ले सकते हैं और उसके अंदर अगर आप आधा कट्टा या आधा बैग यूरिया का मिला देते हैं तो वो आपकी DAP से भी बेहतरीन खाद तैयार हो जाएगी, तो आप उसको DAP की जगह पर यूज कर सकते हैं। जो किसान साथी आधा कट्टा DAP डालते हैं, वो किसान साथी 1 या 1.5 कट्टा SSP का लेकर उसमें 10 किलो 12 किलो यूरिया मिलाते हैं तो वो भी एक DAP के कट्टे के मुकाबले बराबर या उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको देगी, क्योंकि DAP के अंदर आपको 2 न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वहीं आपको SSP के अंदर 4 से 5 न्यूट्रिएंट आप आसानी से अपनी फसल को दे सकते हैं। किसान साथियों, एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको DAP ही डालनी है तो किसान साथियों, आप निराई गुड़ाई व फिर मिट्टी चढ़ाते समय अगर अपने खेत के अंदर अपनी फसल के अंदर DAP डालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप वहाँ पर भी सुपर के साथ में अगर यूरिया डालते हैं तो वो आपकी DAP के ऊपर भी भारी पड़ेगी। गर्मियों की बुआई के समय ध्यान रखें कि किसान साथियों, आप सुपर ही डालें और हो सके तो उसके अंदर यूरिया भी ना मिलाएं, क्योंकि आप अगर 10 दिन 20 दिन पहले सिंचाई के समय पर अगर यूरिया डाल देंगे तो वो एक अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। DAP के मुकाबले SSP का रेट भी 3 गुना कम है, तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी SSP डालने से आप कम कर सकते हैं। अगर किसान साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद।